एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं बबीता, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने होम टाउन आ रखी हूं, तो आज मैं अपने घर का होम टूर छोटा सा आपके साथ शेयर करने वाली हूं। ये मेरे गांव का घर है, पुराना वाला मकान है, जो पहले टाइम पे जो घर होते थे ना, वो है ये। और छोटी सी क्लिप होगी, आई होप आपको काफ़ी पसंद आए, तो प्लीज़ बने रहिएगा। तो मेरा जो घर है वो बाहर से कुछ इस तरीके से दिखता है। मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने गोबर और मिट्टी से लिपाई करी थी, और लिपाई करने के बाद अच्छे से वो सूख गया है, ड्राई हो चुका है। तो हमने दरी वगैरह बिछाई, और इसके बगल में ना इस तरह सोफ़ा रखा है। और आप यकीन नहीं करेंगे गाइस, ये जो सोफ़ा है ना, मेरी सास के शादी के टाइम का है, जो मायके से आया था, और अभी तक है ये। अब पहले के जो फर्नीचर होते हैं ना, लकड़ियाँ होती हैं ना, वो काफ़ी मजबूत होती हैं, तो अभी तक पूरा फर्नीचर हमारा अभी भी रखा है, मम्मी के मायके के जो साइड से आया था। और ये बेड भी उसी टाइम का है, तो सोफ़े के सामने हमने रखा है ये बेड, और बेड के बगल में है ये बड़ी सी विंडो। उस टाइम की ना विंडो इस तरीके से होती थी, बड़ी बड़ी सी हवादार। और विंडो के बगल में हमने यहाँ पे अपने बिस्तर रखे हैं, जो अच्छे से मैंने कवर करे हैं। और उसके सामने भी एक बड़ी सी विंडो है, और यहाँ से भी बहुत अच्छा लगता है, बाहर का आप व्यू देख सकते हैं, कितना प्यारा व्यू है। और ये मैं सुबह के टाइम शूट कर रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और उसी के बगल में दो सोफ़े हैं, सोफ़े के आप ऊपर के कवर तो देख ही रहोगे, बट नीचे के कवर नहीं। एक्चुअली मैं डैडी से लाना भूल गई, मैंने पैकिंग करी थी, बट वो पता नहीं कैसे वहीं रह गए, नेक्स्ट टाइम ले आऊँगी। और अब हम चलते हैं अंदर की ओर। ये अंदर हमारा गोट है, जिसको हम बोलते हैं किचन। तो किचन में हमने ये सारा सामान रखा है, अलमीरा है, इसमें बर्तन वगैरह रखे हैं। जितना भी यहाँ पे आपको सामान दिख रहा है ना, ये मेरी मदर इन लॉ के शादी के टाइम का है। और ये बक्से वगैरह, पुराने टाइम के जो बर्तन हैं, ये सारी चीज़ें हमने अंदर किचन में रखी है। एक छोटा सा गैस है, और बगल में है सिलेंडर। और यहाँ पे हमने चूल्हा भी रखा है, चूल्हा भी है हमारे गांव में, बट चूल्हा में मैं खाना बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मुझे चूल्हा में खाना बनाना नहीं आता है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। बट कभी कभार हम सब्जी वगैरह मम्मी जो है बना लेती हैं। उसके ऊपर है ये छोटे से अलमारी, जहाँ पर हमारे डेली यूज़ के सामान वगैरह रखे होते हैं। और बगल में लकड़ियाँ भी हैं, जब भी हमें चूल्हे से बनाना होता है, तो लकड़ी का यूज़ करके हम बना लेते हैं। गाइज, ये जो घर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना घर है, मेरे ससुर जी से भी पहले का घर है, तो बहुत ज़्यादा पुराना घर है, जो आज भी ना बहुत ज़्यादा मजबूत है। किचन के बैक साइड में भी हमारा एक छोटा सा डोर है, जहाँ पे हमने खुला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मम्मी जो है काम कर रही है, थोड़ा सा जो घास वास एक्स्ट्रा थी उसको हटा रही हैं। और ये बैक साइड का है, हमारे जो घर है ना, उसके बैक साइड का है ये। तो थोड़ा सा हम 10 दिन के लिए आते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई करते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट ईयर आते हैं, तो वो खैर वो वैसे ही हो ही जाता है। और गाइज, आप देख ही रहे हैं, व्यू तो इतना प्यारा है ना गांव का, इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पूरा ग्रीनिश है, एवरग्रीन है। तो गाइज, ये है मेरे घर का, गांव का छोटा सा होम टूर, कि आई होप आपको काफ़ी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।